आप अपने बिजनेस को ग्रो तो करना चाहते हैं, बट कुछ मुश्किलों के चलते आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आपका बायर आपका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा, या फिर आपको टेम्परेरी क्रेडिट चाहिए अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, या आपको प्रॉपर लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोग रिक्रूट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और एक नया मार्केट प्लेस खोज रहे हैं, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी आपके प्रोडक्ट्स को या आपकी सर्विसेज को प्रिक्योर करें, तो ये सारी चीजों के लिए सुविधा दे रही है हमें भारत सरकार, जिसको आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इंफोडॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि ये हमारी सीरीज है बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए, जिसके अंदर मैं अलग अलग एप्स अलग अलग चीजें डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, जिससे कि आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर पाए, कम से कम कॉस्ट में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर पाए, टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, कुछ एप्स आपको मिल जाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए फैसिलिटीज का लाभ उठा करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं अपने बिजनेस का, चाहे आपका बिजनेस किसी भी फॉर्म में रजिस्टर्ड हो, तब भी अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है जो कि मिनटों में आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपने आधार का यूज करते हुए, और वो रजिस्ट्रेशन काम आता है बैंक अकाउंट ओपन करने में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, और भी किसी तरह के भी जहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एक प्रूफ सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे और भी ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, जिसको हमें प्रोवाइड करा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इसके अंदर डिटेल्ड वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आप उस चीज को प्रैक्टिकली अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई आपके सुझाव हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक फेसबुक ग्रुप जो कि हमने बनाया है बेसिकली बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनकी कोई भी क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी रिसोर्सेज से रिलेटेड, अपने बिजनेस के अंदर कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ क्वेरीज मेरे से कर सकते हैं, उसका आंसर मैं खुद से देता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वेबसाइट है, समाधान के नाम से है ये, samadhan.msme.gov.in। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका बायर आपका पेमेंट टाइम से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया है जहां जाकर के आप अपना केस फाइल कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके अंदर आपको हेल्प करती है आपका पैसा रिकवर कराने में ही नहीं, बल्कि आपको इंटरेस्ट का भी प्रावधान है उसके अंदर, आपको इंटरेस्ट भी दिलवाया जाएगा अगर गवर्नमेंट के इस सिस्टम के थ्रू वो पेमेंट बायर को करनी पड़ती है। अगर वो बायर आपका पेमेंट ऐसे ही कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो पेमेंट आपका नहीं कर रहा है तो यहाँ आकर के आप केस फाइल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपका केस उसके अंदर रिजॉल्व होगा। इसमें इस चीज को कैसे करना है इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में मैं कुछ चीजें आपको इसके अंदर बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेनर्स और एमएसई यूनिट्स, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपना केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ से आप केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को और डिटेल में जाने कि कितने केसेस इसके ऊपर हैं, आप यह देख रहे हैं कि ये अलग अलग एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं हमारे बिजनेस के द्वारा, और इसकी अगर हम टोटल समरी देखें तो यहाँ देख रहे हैं आप टोटल केसेस कितने हैं, इसके अंदर कितना पैसा दिया जा चुका है यानी रेजोल्यूशन हो चुका है, और कितने केसेस डिस्पोज हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या है केसेस के डिस्पोज होने की, और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। और इससे एक बेनिफिट ये होता है कि आप एक बार इस तरह का कोई एक्शन ले लेते हैं तो आगे कोई भी बायर आपका पेमेंट डिले करना या फिर ना पे करने वाला स्टेटस नहीं करेगा, वो इस चीज को समझ जाएगा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको पेमेंट ही नहीं साथ में उसके इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा।
तो ये तो थी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, इंस्टेड कि आप कोर्ट में जाएं, आप लॉयर करें और काफी सारे एक्सपेंसेस करें, उससे ये सिस्टम कई गुना ज्यादा बेटर है, ऑथेंटिक है और ऑनलाइन है। इससे आपकी भागदौड़ बचती है और आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारे कुछ बायर्स हमारा पेमेंट नहीं करते हैं तो हर एक के लिए हम एक कोर्ट में जाकर के केस करें। बट डेफिनेटली यहाँ पे आप उसका केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है और इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है एमएसएमई के लिए क्या ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, क्या प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट एमएसएमई से कर रही है, एमएसएमई से कर रही है, इसके बारे में भी इनका एक पोर्टल है। जैसे आप यहाँ यूआरएल देख पा रहे हैं, ये सारे यूआरएल मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम इस पोर्टल को देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से कितना रुपए का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख रहे हैं। और अगर हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है बाय फ्रॉम एमएसएमई, तो इसके अंदर अगर कोई भी क्लिक करता है तो क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है और यहाँ से आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली या प्रोडक्ट एक्टिविटी के हिसाब से कोई भी जना जा करके आपको सर्च कर सकता है और आपसे कंटेक्ट कर सकता है। बट उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं, ये आधार से होता है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसका कंप्लीट प्रोसेस उस वीडियो में मैंने बताया। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी इसके अंदर हेल्प करूंगा। तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को अवेल करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं या कोई भी और जना इस पोर्टल पे जाकर के प्रोक्योरमेंट कर सकता है, आपको सर्च कर सकता है और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस गवर्नमेंट के किसी मार्केट प्लेस पे रजिस्टर करें तो उसके लिए जेम पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई मार्केट प्लेस है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो इसके अंदर देख रहे हैं मेडिकल, फर्नीचर, फायर सेफ्टी, स्टेशनरी, कंप्यूटर्स, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके रिलेटेड इसके ऊपर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छा पोर्टल है। आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अपना एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया ई मार्केट प्लेस बना सकते हैं जहां से आपको बायर्स कॉन्टेक्ट करेंगे, बल्क ऑर्डर्स भी आपको मिलेंगे, इवन गवर्नमेंट के लोग भी यहाँ से प्रोक्योरमेंट करते हैं और बहुत से गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट्स में आज की डेट में जेम पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो चुका है। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट का काम करना चाहते हैं तो जेम पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो चुका है। जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इससे रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेके आऊंगा। तो आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे कि ये वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत से लोग जेम पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे चार्जेस मांगेंगे। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं देना है। इसमें रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, इसके कोई भी चार्ज क्लेम नहीं कर सकता है। ऑलरेडी गवर्नमेंट जगह जगह इसके बारे में आपको बता रही है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बीवेयर ऑफ एनी फ्रॉडलेंट वेबसाइट, जेम डज नॉट चार्ज एनी रजिस्ट्रेशन फीस। तो जेम कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज नहीं करती है। जेम पर रजिस्टर करने का लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपको डिटेल्ड वीडियो भी इससे रिलेटेड मिल जाएगा जिससे कि आप ये रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद कर सकते हैं, आपको किसी को इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि किस तरह से आप बिजनेस हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से अपने लिए बायर्स ढूंढ सकते हैं, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं। बट अब बात ये आती है कि हमने मार्केट तो अपना एक्सपेंड कर लिया, हमारे पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बट हमारे पास कैश की लिमिटेशन है, हमें टेम्परेरी क्रेडिट चाहिए अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रास्ता दिया है। आप अगर लोन लेते हैं तो वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है जिसकी काफी दिक्कत होती है, उसको पेमेंट करने में काफी आप लोगों को समस्या भी आएगी और इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है कि हम इतना हैवी इंटरेस्ट पे कर पाए और एक लायबिलिटी के अंदर हम आ जाते हैं। तो उसकी जगह एक फास्ट टेम्परेरी क्रेडिट का सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है ट्रेड्स के जरिए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ट्रेड्स के लिए 3 प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि इसके थ्रू जो
टेम्परेरी क्रेडिट होता है वो खाली मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है, सर्विस सेक्टर को नहीं मिलता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस सेक्टर को भी इसके थ्रू टेम्परेरी क्रेडिट मिल जाता है और इसका बहुत सिंपल सा सिस्टम है। ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आप जिससे भी मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, आप जिससे भी बाय कर रहे हैं अपना रॉ मटेरियल, या अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आप सर्विसेज अगर किसी से प्रोक्योर कर रहे हैं किसी ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, तो उसका जो इनवॉइस है जो कि ड्यू है वो इनवॉइस आपको इस पोर्टल पर जाके अपलोड करना है और साथ ही में वो पर्टिकुलर एंटिटी भी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो इस पे रजिस्टर्ड है और आप भी उस पे रजिस्टर्ड हैं और आप ये इनवॉइस वहां जाकर के प्लेस करते हैं तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स हैं वो उसको देखते हैं और वो आपका पेमेंट जो है आपके जो जिसका इनवॉइस है उसको कर देते हैं और उसके बदले में जो भी उसका इंटरेस्ट है और जो भी उसका पेमेंट डिसबर्स करना है वो आपको करना है, जिसके लिए ऑटोमेटिकली आपके बैंक से लिंकिंग हो जाती है, उसके लिए एक टाइम निश्चित हो जाता है, उस टाइम पे आपको वो पेमेंट करना है। और इनकेस अगर आप फेल कर जाते हैं वो पेमेंट करने में किसी भी वजह से, मान लीजिए आपके बायर ने पेमेंट नहीं किया, डिले हो चुका है, तो आप सेपरेटली उस पेमेंट को उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने तीन अलग अलग बॉडीज बनाई है, तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो कि आरबीआई और अलग अलग फाइनेंशियल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनसे मिलकर के बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म ये है RXIL, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें कैसे आपको रजिस्टर करना है इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा प्लेटफॉर्म है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे M1 एक्सचेंज करके एक प्लेटफॉर्म है, ये भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है इससे रिलेटेड। इसका एक और प्लेटफॉर्म है, तीसरा प्लेटफॉर्म जो है इनवॉइस स्मार्ट। तो ये तीन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर दिए गए हैं, जिन प्लेटफॉर्म में से आप किसी भी एक पे रजिस्टर कर सकते हैं और जिससे भी आप मटेरियल ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं जिसका पेमेंट आपको करना है वो भी इनमें से किसी एक पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ये पेमेंट हो पाएगा और आपको ये टेम्परेरी क्रेडिट मिलेगा। इनफैक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपके बिहाफ पे आपके सप्लायर को ये पेमेंट कर दिया जाएगा और फाइनली आपको वो इंस्टीट्यूशन को विद वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट उसको पे करना है। कितना इंटरेस्ट है, क्या डिटेल्स है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम आगे के वीडियो में डेफिनेटली जानेंगे। बट एक चीज मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगा जो कि काफी लोगों का कंफ्यूजन है, मैं आपको डायरेक्ट पोर्टल पे दिखा रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, तो दोनों के लिए है बट एक लिमिट है। माइक्रो के केस में 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, सर्विस के लिए 10 लाख है, स्मॉल के केस में 25 लाख से 5 करोड़ तक है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 10 लाख से 2 करोड़ तक है सर्विस सेक्टर के लिए। इसी तरह से मीडियम के केस में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ है, 5 करोड़ तक मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकती क्योंकि सर्विस सेक्टर को कोई रॉ मटेरियल एज सच नहीं चाहिए होता, उसको सर्विसेज आगे प्रोक्योर करनी होती है एंड डेफिनेटली उसके अंदर कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करनी पड़ती है। तो इससे आपको ये क्लियर होता है ये खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, ये सर्विस सेक्टर के लिए भी है। इसके अलावा और डिटेल्स, कैसे इस रजिस्ट्रेशन को करना है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में ऑल्दो इस पोर्टल पे दिया हुआ है, आप अगर FAQ सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और मैं इसके रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, एक आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको इसके अंदर यूज करना है, किस तरह से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट ये लोग चार्ज करते हैं और इसका जो डिस्बर्सल टाइम है वो बहुत कम है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बता रहे हैं कि 24 से 72 घंटे के अंदर जब आप इसको अप्लाई करेंगे आप इजीली ये क्रेडिट ले सकते हैं। अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है, अप्लाई मतलब रजिस्टर आपने एक बार पहले से करके रखा जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जब भी आप वो इनवॉइस अपलोड करेंगे उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, उसको हम बिडिंग बोलेंगे, तो उसके 24 से 72 घंटे के अंदर आपको ये क्रेडिट मिलेगा और ये किसी भी और लोन या किसी भी और फाइनेंस लेने के सिस्टम से सबसे ज्यादा फास्ट है क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है। तो ये तो था कि किस तरह से हम अब अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लेके आ सकते हैं। अब एक और दिक्कत जो कि आप लोग फेस कर सकते हैं वो है एम्प्लॉयज की, अगर आपको प्रॉपर लोग नहीं मिल रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है MSME संपर्क। जी हाँ, MSME संपर्क, इसका भी लिंक मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा और ये सिर्फ रिक्रूटर्स यानी जो बिजनेसेस हैं उनके लिए नहीं है, ये पोर्टल उन लोगों के लिए भी है जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं यानी जॉब सीकर्स। जैसे आप यहाँ पे टॉप पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिक्रूटर्स, रिक्रूटर्स यानी आप बिजनेसेस आप रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं,
इसके अलावा जॉब सीकर्स के लिए भी इसके अंदर ऑप्शन है। तो अगर आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हो जो जॉब ढूंढ रहे हो तो आप उनसे भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो इसके ऊपर तुरंत आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करें, जो कि फ्री है। और अगर वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उनके पास लोगों की इंक्वायरीज आने लगेंगी एंड डेफिनेटली उनकी जॉब जल्दी लग जाएगी। तो आप इसके ऊपर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके भी मैं आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा, ऑल्दो ये मुश्किल नहीं है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जब तक मैं वो वीडियो नहीं लेके आ पा रहा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी इसके अंदर हेल्प करूंगा। आप इस पोर्टल को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर ये अनाउंसमेंट्स भी करते हैं, इसके अंदर ये वैकेंसीज भी बताते हैं। इतने सारे जॉब सीकर्स इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 5,890 रिक्रूटर्स इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, 10,000 से ऊपर कैंडिडेट्स प्लेस हो चुके हैं इसके थ्रू। देखिए इसके थ्रू मतलब कि अगर इसके थ्रू लोग इनपुट करते हैं कि उन्होंने इस कैंडिडेट को हायर कर लिया, बहुत से लोग इसको इनपुट भी नहीं करते हैं, इन दैट केस ये नंबर बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर मुझे किसी कैंडिडेट के बारे में पता चल गया, मैंने उससे कॉन्टेक्ट कर लिया और मैंने उसको डायरेक्टली रिक्रूट कर लिया, यहाँ पे मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की कि मैंने इसको रिक्रूट किया, या उसने सबमिट नहीं की कि मेरे को इस पर्टिकुलर एजेंसी ने रिक्रूट किया है, तो वो फिगर जो है यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। तो ये 10,000 का फिगर से कई गुना ज्यादा होगा, बट डेफिनेटली 10,000 लोगों ने इस चीज को पोस्ट किया है कि हमें यहाँ से रिक्रूट किया गया। उसके अलावा ओपन जॉब पोस्टिंग इसके अंदर 90 है, इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज लोगों ने पोस्ट की हुई है 935 वैकेंसीज है, जॉब भी लोगों ने पोस्ट की हुई है 822 जॉब्स है। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर स्टार्टिंग में भी ये दिखा रहे हैं कुछ बेसिकली टॉप जॉब्स जो इसके अंदर दिखा रहे हैं, जो टॉप लिस्टिंग में आ रही है। जॉब सीकर्स के इसके अंदर रिव्यूज भी हैं, उनकी पूरी डिटेल के साथ, नाम के साथ, सिटी के साथ। एम्प्लॉयर्स भी इसके अंदर अपने बारे में बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है और सबसे अच्छी चीज है ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप इस पे आकर के तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी जान पहचान में ऐसे सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत ही कमाल की फैसिलिटी इनकी लगी है, जो एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी है, क्योंकि बहुत सारी रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं, जॉब फर्म्स हैं जो काफी सारा लोगों से चार्ज कर लेती हैं जॉब दिलाने के मामले में, और ऑनलाइन भी वो लोग चार्ज करते हैं, बुलाकर भी चार्ज करते हैं। तो अगर कोई भी ये चीज गलत तरीके से कर रहा है, प्रॉपरली नहीं कर रहा है, जॉब सीकर्स को चीट कर रहा है, रिक्रूटर्स को चीट कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और जितना हम लोग इसको आगे फैलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतने ही ज्यादा ये एफिशिएंट बनेगा, उतने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट हमें मिलेंगे और कैंडिडेट्स को उतने अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पे मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने डिस्कस किए कुछ चीजों के बारे में जो कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है रिलेटेड टू रनिंग योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, आपको प्रॉपर एम्प्लॉयज प्रोवाइड करने के लिए। तो आप इन सब फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एप्स प्लस इन पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स लेके आऊंगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लोग फंस जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो पैसा लेके ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट भी इसको बता रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया है, कि आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है इन जगहों पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको क्रेडिट दे रहा है, ट्रेड्स है, इसके अंदर डेफिनेटली आपको कुछ नॉमिनल सा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कुछ इनकी मेंटेनेंस एनुअल फीस भी है, रजिस्ट्रेशन फीस भी है, बट वो मायने नहीं रखती है। अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है, वो भी इतनी फास्ट आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो डेफिनेटली आपको चीप पड़ेगा अगर आप मार्केट से इस तरह का क्रेडिट उठाएंगे। इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज है वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे कि उनका बेनिफिट हो पाए और वो किसी को पेमेंट देकर ये रजिस्ट्रेशन कराने के किसी भी ऐसी चीज से दूर रहे और उसके अंदर वो ना फंसे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।